हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सीपी ट्रेड। सीपी ट्रेड में आपका स्वागत है। तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, मैंने एक स्टोरी रखी हुई थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने यस बैंक को भी ऐड किया था। यस बैंक का रेसिस्टेंट लेवल 1780 क्रॉस करेगा तो ये आपको अच्छा मूव देगा। तो इसने फाइनली आज 15% का मूवमेंट दिया था, तो मार्केट तो क्लोज़ हो गया, नहीं तो लाइव मार्केट में मैं आपको शो करके दिखा सकता था। ये आज 24 रुपीज़ तक गया, 24 रुपीज़ 15 पैसे तक गया। आप देख सकते हैं कहाँ से रिटर्न हुआ है, 23.95 पे आज क्लोज़ हुआ है। तो इसका नेक्स्ट लेवल 30 रुपीज़ 10 पैसे हो सकता है, और अगर उसको ब्रेक करता है तो ये 48 रुपीज़ तक जा सकता है। तो फॉलो करो मोमेंटम को। मोमेंटम अभी बैंकिंग सेक्टर का है, बैंकिंग सेक्टर PSU देख सकते हैं, PSU जो भी है और प्राइवेट बैंक्स जो भी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप इस मोमेंट का फ़ायदा, अप ट्रेंड का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो उठाया नहीं है तो प्लीज़ जस्ट फोकस ऑन द प्राइवेट बैंक्स एंड PSU बैंक्स, बोथ आर परफॉर्मिंग वेरी गुड, वेरी वेल। सो आप ट्राई करो, पेपर ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करके देख लो, लेकिन मोमेंट के साथ ही ट्राई करो। मोमेंटम अभी बना हुआ है, तो मैंने यस बैंक का, इसके पहले सेंट्रल बैंक का बेनिफिट लिया, आज PNB ने भी 3% का मोमेंट दिया है। ऑलमोस्ट सारे बैंक अच्छे परफॉर्म कर रहे, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड अच्छे अच्छे आपको सारे बैंक्स के और अदर सेक्टर्स के मोमेंट आपको मैं बताते रहूँगा ये चैनल पर। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी आपको कमी लगती है या कुछ और लगता है तो प्लीज़ कमेंट, एंड अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर। थैंक यू सो मच।